उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ छकुराई गुच के सदस्यों ने बुधवार को नवनियुक्त शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ छकुराई गुच के प्रांतीय मंत्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही उनके प्रथम वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है। विभाग ने अभिलेखों के सत्यापन की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा है। उन्होंने कहा कि 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिससे नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन जारी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वेतन न मिलने से नवनियुक्त शिक्षकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुट मांग करता है कि नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन करते हुए उनके वेतन को शीघ्र ही जारी किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुट के प्रांतीय मंत्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, शिक्षक समस्याओं को लंबित रखना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षक समस्याओं को लंबित रखना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षकों का उत्तीर्ण बंद करो, बंद करो, बंद करो, नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो, नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जारी करो, नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह गौतम, प्रांतीय मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट हूँ। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट अपने प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों का सत्यापन के नाम पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना दे रहा है। उस निर्देश के क्रम में हम सभी शिक्षक साथी प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी मांगों के लिए धरनारत हैं और सत्यापन के नाम पर विगत 4 महीनों से शिक्षकों का रुके हुए वेतन को जारी कराने के लिए धरना दे रहे हैं। हम अवगत कराना चाहेंगे कि चयन बोर्ड से जो शिक्षक साथी इस सत्र में जुलाई से लेकर अगस्त तक ज्वाइन किए हैं, उन सभी के सर्टिफिकेट आज सत्यापन के नाम पर कार्यालयों में जमा हो गई है। शिक्षकों से नोटरी शपथ पत्र भी ले लिया गया है, लेकिन आज तक उनका वेतन भुगतान नहीं जारी किया गया और सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में ये वेतन रोका गया है। सत्यापन कराना सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है। शिक्षकों का यह सत्यापन क्या सालों साल नहीं आएगा तो वेतन सालों साल नहीं जारी किया जाएगा? यह सीधे सीधे बधुआ मजदूरी जैसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है। लोकतंत्र में यह स्वीकार्य नहीं है। शिक्षक को काम के बदले दाम दिया जाना चाहिए। सरकार को और विभाग को यह सोचना चाहिए कि ऐसे नव नियुक्त शिक्षक जो बेरोजगारी के दौर से निकलकर किसी तरह नौकरी पाए, शिक्षण पेशे में आए, उनके घर परिवार की आस जगी कि उनके बेटे को अब वेतन मिलना शुरू होगा, उनके कष्ट दूर होंगे, हो उल्टा रहा है। 4 महीने से वो लगातार विद्यालयों में जाकर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और कर्जा लेकर के बेचारे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति का हम लोग आज विरोध करने के लिए बैठे हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि अतिशीघ्र इन शिक्षकों का वेतन भुगतान जारी करें। संगठन का सुझाव है कि इन शिक्षकों से आप नोटरी शपथ पत्र ले लीजिए। अगर इनका कोई सर्टिफिकेट फर्जी आता है तो आप ब्याज सहित वसूली करिएगा, अपराधी मुकदमा चलाइएगा। लेकिन जब तक कोई रिपोर्ट फर्जी ना आवे तो किसी को दोषी मान लेना ये कहाँ का न्याय है? यदि इस तरह से किया जाएगा तो कोई भी एमपी एमएलए चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। सैकड़ों मुकदमे लदे हुए हैं लोगों पर, लेकिन जब तक कोई दोषी ना साबित हो तब तक उसको दोषी मान करके व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और ये विभाग उन नवनियुक्त शिक्षकों को शंका की निगाह से देख रहा है, इसलिए वेतन नहीं जारी कर रहा। ये गलत प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। और माध्यमिक शिक्षक संगठन इसका भरपूर विरोध करता है, जोरदार विरोध करता है और मांग करता है कि शीघ्र उनका वेतन भुगतान जारी किया जाए।